हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चना चाट की रेसिपी। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के चाट बनाना शुरू करते हैं। चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं बॉयल किए हुए चने, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, नींबू, थोड़ा सा पानी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक। कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। मैंने एक चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए चने और चनों को हम फ्राई करेंगे 2-3 मिनट तक। 2-3 मिनट तक फ्राई करने के बाद फिर हम गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और इन्हें पकने देंगे। तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो पानी लिया तो उसमें हम डालेंगे नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। इन सबको हम मिलाकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम अगर मसाले डालेंगे तो मसाले हमारे जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से सभी चनों पर लग जाएंगे। ये देखिए गाइस, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। चने हमारे तैयार हैं। इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, हरी मिर्च, ऊपर से हम डाल देंगे इसमें नींबू का रस। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं बारीक काट कर, और हरा धनिया भी। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। आप थोड़ा बड़ा बर्तन है, मेरी जो प्लेट है वो छोटी पड़ रही है, तो चलिए इसी तरह से काम चला लेते हैं। चाट हमारी तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा सा अच्छी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर एक रख दिया हरी मिर्च, एक स्लाइस नींबू का और 2 पुदीने के पत्ते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।